दो तीन ओके। तो प्री वर्कआउट है ये? ये कुछ भी नहीं है, ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। वो गिर जाता वो अच्छा रहा, गिव अप नहीं करना था, ना लगते कोई बात नहीं। ये हमारे दामाद हैं, ठीक है। ये हमारे दामाद हैं, ये दामाद है हमारे। ये जब भी आते हैं इनको पोस्ट वर्कआउट हमारी तरफ से जो है ट्रीटमेंट चाहिए होता है। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन हॉल बादल उपरेता। तो भाई आप लोगों के अक्सर एक क्वेश्चन होता है कि सर लेग को वीक में कितने बार ट्रेन करना चाहिए, और ट्रेन करना चाहिए तो कौन सा मसल्स लेग का जो है ट्रेन करना चाहिए जिससे कि जो है लेग बड़ा क्वालिटी मसल्स। तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ एक्सरसाइज आज कि कैसे आपने लेग को ट्रेन करना है, और कौन सी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो लेग में आपने रखनी है, आई मीन आपका इनर आउटर काफ कैसे आप लेग को ट्रेन करोगे। कंप्लीट डिटेल दे रहा हूँ, पहले भी दो तीन वीडियो बना चुका हूँ, बट आप लोगों को वीडियोस नहीं देखते हो या फिर आप नहीं समझ पाए हो तो फिर से समझा देता हूँ कि किस तरीके से। और उनसे पहले इन भाइयों से मिला देंगे। देखो अकेले अकेले खा रहे हैं ये, राजवीर फिटनेस, इनका नाम तो सुना ही होगा आपने। ये आजकल नए नए नाम रख रहे हैं हमारे, कोई बात नहीं, भाई है भाई रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या खा रहे हो भाई सब? ओए चुपचाप बैठ रहे तो भाई जी जी प्रोटीन बार। ओके, तो प्री वर्कआउट है ये? ये कुछ भी नहीं है, ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। बैग में पड़ी थी, हमने कहा यही खा लें। अच्छा अच्छा, इसको टेढ़ा मत कर, ऐसे मत कर, गलत हो जाता है वो। क्योंकि खाना तो तुम मंगाओगे ना अभी। अच्छा खाना हमें मंगाना है। अच्छा पोस्ट, अच्छा प्री वर्कआउट ये, पोस्ट वर्कआउट हमें मंगाना है। और कौन मंगाएगा, तुम हमारे यहाँ आओगे हम निकलाएंगे खाना। नहीं सही बात है, ये हमारे दामाद हैं, ठीक है। ये हमारे दामाद हैं। ये दामाद हैं हमारे, ये जब भी आते हैं इनको पोस्ट वर्कआउट हमारी तरफ से जो है ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो जब मैंने बोला था कि जब आओगे तो बता देना, तो बता नहीं सकते थे कि कल भी आना है मेरे को? झूठा। एक काम करो तुम, मेरा ना चिकन और राइस पड़ा हुआ है आज, मैं लेके आ रहा हूँ। अब आज मत बोलना कि मेरे को खिलाया नहीं, आज पहले पड़ा हुआ है, जब खाऊंगा तो साथ में आ जाना, ठीक है? तो ये बात आप बोलोगे नहीं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चिकन राइस लाया था राजवीर ने, मुझे खिलाया नहीं। मैंने अभी उड़ाया नहीं, मैं लाया हूँ, आपको खिलाऊंगा, ठीक है? चॉकलेट खाओगे? नहीं खा सकता मैं अभी, मैंने प्री वर्कआउट ले लिया। तो आज मैं आपको क्यों भाई, तुम कल नहीं, कल से दुआ दे रहे हो, राम भला करे, राम भला करे, मतलब ऐसा राम का क्या नाम है? समझ में नहीं आई मेरी बात, पब्लिक समझाएगी, पब्लिक समझाएगी। नहीं मेरे को समझ में नहीं आया, राम को वर्कआउट कर रहे थे। हाँ तो राम भला करे का पूरा वो बताओ। तो बादल भाई आए, कह रहे मैं भाई मैं निकल रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है जल्दी निकलो, तुम्हारा राम भला करे, तो इसका मतलब समझा देना। मैंने क्या बोला, आप गुरु जी आ गए, ठीक है भाई, चलो गुरु जी आगे बात बात करते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spend all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Story's over now, I must conclude. I am conflicted.
इट्स ऑल अबाउट योर माइंड गेम. तीन रेपिटेशन और आ सकते थे बट जब माइंड बोलेगा दैट्स इट तो बंदा गिव अप कर लेता है. कॉन्फिडेंस तो ये मैं चौथा वर्कआउट था आपने इसको सपोर्ट करके क्योंकि जॉइंट्स को अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो आपके जॉइंट्स इंजर्ड होने के चांसेस होते हैं. आपने देखा होगा कि उनके एल्बो नी आपके शोल्डर हिल जाते हैं. उसका रीज़न ये है कि सेफ्टी बैंड हमेशा रखा करो. 100 किलो से ऊपर जा रहे हो तो भी आपको नहीं रह पानी भाई 400 से दो 450 डाला कितने रेपिटेशन लगभग ने अच्छा 16 अगर 16-18 से ज़्यादा वेट बढ़ा लो. अच्छा इससे ज़्यादा नहीं आना इससे ज़्यादा क्यों बढ़ा इस बार कम लगा रखा हूँ अभी 450 हाँ 500 500 का है ये बहुत ज़रूरी है भाई ये लगाने बहुत ज़रूरी है. 500 वेट कैरी पिछली बार ढीला बना हुआ था ये सही बना था पिछली बार ढीला नहीं होना चाहिए. नी पे स्पेशली जॉइंट्स को कभी भी प्रोटेक्ट करो तो अच्छी तरीके से उसको टाइट करो. जॉइंट्स हिलेगा नहीं आपका अगर जॉइंट्स हिल गया तो कुछ काम के नहीं रहोगे. बॉडी बिल्डिंग भरी की धरी रह जाएगी. ये बात मुझे भी ध्यान रखनी है. जॉइंट्स अगर हिल गया तो बॉडी बिल्डिंग धरी की धरी रह जाएगी किसी काम के नहीं रहोगे. Yeah.
सात और लगे दस इधर देखो छोड़ दे चुप रही है तो बंद है अगला काम क्या सर खराब करा दो पहले सेट में बेल्ट भी चुभ रही थी तो ये होता है फर्क कोच हायर करने का। भाई मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ कोच हायर करने का एक फ़ायदा होता है मोटिवेशन। अब आपने स्क्वाड देखा होगा मिट्टी की स्क्वाड मैंने सिंपल मारा था मिट्टी की स्क्वाड यहाँ पे तीन चार रिपीटेशन और आ सकते थे मेरे मैंने नहीं मारे। रीज़न मोटिवेट करने वाला तो पीछे था नहीं आई मीन कोच नहीं था इसकी वजह से तीन चार रिपीटेशन कम निकले। जो तीन चार रिपीटेशन रास में निकलते हैं वही होते हैं इफेक्टिव। अब थाई आप देख रहे होंगे इसकी हालत ख़राब हो चुकी है यहाँ पर वेट गिरने वाला था बट लास्ट मोमेंट तक क्यों मारा बिकॉज ऑफ कोच। इसीलिए बोलता हूँ जो आप तीन साल में परफॉर्म नहीं कर पाओगे अगर किसी प्रोफेशनल के अंडर में ट्रेनिंग करोगे तो एक साल में बन जाएगा इस बात की गारंटी है। जिसके बाद मेरा एक लेग एक्शन है और फ्रंट स्क्वाड है दो तरह चार चार सेट के। मुझे लगता नहीं कि मैं मार पाऊँगा लेकिन फिर भी मारूँगा हारूँगा नहीं मारूँगा। वो तो सेट खराब होगा सेट खराब हो अगर आप और मार दो गिर जाता वो गिर जाता वो अच्छा रहा गिवअप नहीं करना था ना लगता कोई बात नहीं मना नहीं करना तो भाई देखो वर्कआउट हो गया ख़त्म ठीक है हालत हो गई ख़राब। अभी दो सेट और हैं वो कंप्लीट कर देता हूँ एक लेग एक्सटेंशन और एक जो है फ्रंट स्क्वाट चार चार सेट और हैं इसके अभी बट लगता नहीं है बॉडी में जान है। और एक खुशखबरी और सारे के सारे लोग भाई बधाई दे दो 7 मार्च को भाई का बर्थडे आ रहा है बर्थडे की बधाई भी एडवांस में देनी पड़ेगी। और एक फ़ोन ले लिया है भाई ने 13 प्रो मैक्स तो अब सारी ब्लॉग्स वीडियोस इसी से बनाऊंगा क्योंकि इसकी क्वालिटीज़ वीडियो क्वालिटी अच्छी है। बाकी भाई ने जैसे तुमने बोला था माइक ले लो तो भाई ने माइक भी ले लिया है अच्छी क्वालिटी आ रही है वीडियो की सारी। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो क्योंकि नॉलेज यहीं पर मिलती है इंडियन हल्क बादल फिटनेस के ब्लॉग चैनल और प्लस फिटनेस चैनल में। ब्लॉग चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया बादल उपरेती ब्लॉग के नाम से बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आती है वहाँ पर वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ये है इंडियन हल्क बादल फिटनेस के नाम से सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का थैंक यू।